दोस्तों, ये तो आपको मानना ही होगा कि आज की तारीख में इंटरनेट बिना जावास्क्रिप्ट के चल ही नहीं सकता। जावास्क्रिप्ट सब जगह है, फिर चाहे वो फ्रेमवर्क के फॉर्म में हो, यूआई के फॉर्म में हो, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के फॉर्म में हो, या एनिमेशन के फॉर्म में हो, जावास्क्रिप्ट सब जगह है। और अभी तो वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है, जो बहुत हद तक जावास्क्रिप्ट पर ही डिपेंड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट आने वाले समय में कैसा होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया यूआई यूएक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था सिर्फ वेब पेजेस पर इंटरैक्शन या छोटे मोटे एनिमेशंस ऐड करने के लिए, पर अभी जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पर सिंगल पेज एप्लीकेशन रन कर सकता है, वही node.js की मदद से सर्वर साइड पर भी रन होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे फ्रेमवर्क को यूज़ करके डेस्कटॉप के एप्लीकेशन बना सकते हैं, या रास्पबेरी पाई जैसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स के साथ भी काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। यहाँ तक कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल मशीन लर्निंग मॉडल्स जो ब्राउज़र पर रन होते हैं उन्हें टेंसरफ्लो जैसे जावास्क्रिप्ट यूज़ करके ट्रेन किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट हर एक डेस्कटॉप, लैपटॉप और फ़ोन जिसके अंदर एम्बेडेड ब्राउज़र है वहाँ पे रन होता है। यहाँ तक कि गिटहब पर भी आपको रूबी, गो, .NET, पाइथन और PHP से ज़्यादा 3 लाख से भी ज़्यादा पैकेज मैनेजर जावास्क्रिप्ट के ही मिलेंगे। तो ये साबित करता है कि जावास्क्रिप्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दिल्ली जैसे शहर में अगर किसी IT कंपनी में अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप 3 साल से जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, तो आपको 8 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। वहीं पे अगर Oracle जैसी कंपनी में आपको 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, तो आपको 15 लाख तक की सैलरी मिलती है। जब मैं जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखने से काम चलेगा। एक्चुअली कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोर्स नहीं कराएगी, आपको एक वेब डेवलपर का कोर्स करना पड़ेगा जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट आपको सीखना होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, जाहिर सी बात है उसके लिए आपको HTML और CSS भी सीखना पड़ेगा, यानी HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट पहले समझे, उसके बाद ही आप जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क और टूल्स सीखने की तरफ बढ़े। जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो जावास्क्रिप्ट फ्री में सीखा है ऑनलाइन वेबसाइट से। अगर आप भी जावास्क्रिप्ट फ्री में सीखना चाहते हैं तो इंडिया UI/UX ब्लॉग पर इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें। इसमें मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट आप फ्री में कहाँ सीख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप देखें तो हर रोज़ नए जावास्क्रिप्ट के टूल्स, फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और किसी भी तरह का टास्क हो आपको उसके लिए जावास्क्रिप्ट का पैकेज मैनेजर मिल जाएगा। आपको CSS फाइल को प्रीफिक्स करना है, या समझो कि SAS फाइल को CSS में कंपाइल करना है, या जावास्क्रिप्ट फाइल को मिनीफाई करना है। जब आप ये करते हो तो ये रेपिटेटिव टास्क होता है, तो इसको रेपिटेटिव ना करते हुए, मैनुअली ना करते हुए आपको टास्क रन करना होगा। तो उसके लिए आपको grunt.js आपकी मदद कर सकते हैं। वहीं पे अगर जावास्क्रिप्ट का कोड प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, और वो ECMAScript कोड के पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये अगर जानना है तो ESLint टूल आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर दो अलग अलग इमेजेस को एनालाइज करना है आपको, जैसे कि अगर आप कोई ई-कॉमर्स का वेबसाइट बना रहे हो या फोटो एडिटिंग इमेज का कुछ एप्लीकेशंस बना रहे हो, वहाँ पर अगर आपको दो इमेजेस को एनालाइज करना है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसको कंपेयर कर सकते हो। उसके लिए आप resemble.js जैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग पैकेज मैनेजर्स हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। पैकेज मैनेजर्स के बारे में सीखने और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको npmjs.com जैसे वेबसाइट पर जाना होगा, रेफर करना होगा। मैंने उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंडिया में जावास्क्रिप्ट डेवलपर की काफ़ी डिमांड है, क्योंकि बहुत सारी IT कंपनीज अपनी एप्लीकेशन रिएक्ट और नोड पर बनाती है, जैसे कि महिंद्रा है, NSEIT है, मिंत्रा है, फोर्ब्स है, JP Morgan है, Capgemini है, Accenture है, या फिर Amazon है। ये सारी कंपनीज जो है इन दोनों टेक्नोलॉजीज का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। तो भाई पॉपुलर कौन सा है ये दोनों में से, रिएक्ट या नोड, कौन सा है जो आगे चलकर बहुत काम आएगा? सर्वर साइड पर जावास्क्रिप्ट रन करने की वजह से node.js बहुत ज़्यादा पॉपुलर है डेवलपर के बीच। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऐप और वेबसाइट इसी पर बिल्ड करती है, जैसे कि PayPal है, Netflix है, Uber है, या LinkedIn है। वहीं पर react.js भी कम नहीं है, बहुत ही कम समय में ये बहुत सारे वेबसाइट्स को हैंडल कर रही है और बहुत ज़्यादा डेवलपर्स इसे यूज़ भी कर रहे हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि Facebook, Instagram, WhatsApp, न्यूयॉर्क टाइम्स, कोड अकेडमी और ड्रॉपबॉक्स जो react.js के ऊपर ही चलता है या उनका UI यूज़ होता है। React.js और node.js में कोई कंपटीशन नहीं है। अलग अलग IT कंपनीज अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही है।
वही Vue.js और Angular.js भी काफ़ी यूज़ करने लगे हैं आजकल लोग। तो यही है तीन चार जावास्क्रिप्ट जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, हर एक तरह के प्रोजेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जावास्क्रिप्ट कहीं जाने वाला नहीं है और इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और आने वाले समय में ये और ज़्यादा एक्सप्लोर होगा। अगर आप सोच रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर में जावास्क्रिप्ट सीखना, तो ये बहुत सही वक्त है आपका फ्यूचर प्लान करने के लिए और जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।